नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल BN24 में। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग 152 डी का कार्य जोरों पर है, लेकिन नारनौल से इस्माइलाबाद होते हुए अंबाला व चंडीगढ़ को जोड़ता हुआ ये 6 लेन मार्ग अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है। इसी बीच गांव पोपड़ा के ग्रामीणों को सरकार द्वारा 100 वर्ग गज के रिहायशी प्लाट आवंटित किए गए थे। करीब 143 रिहायशी प्लाट इस राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर आ गए हैं। ग्रामीण रिहायशी प्लाट के बदले प्लाट दिए जाने की मांग को लेकर करनाल DC दफ्तर पहुंचे। हालांकि जिला उपायुक्त से ग्रामीणों की मुलाकात नहीं हो पाई। इसी बीच उनके मातहत अधिकारी के माध्यम से मांग पत्र सौंपा गया और ग्रामीणों ने क्या कहा, आगे आप स्वयं सुनिए। सर, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। आज किस मकसद को लेकर करनाल पहुंचे आप? हमारे 100 गज के प्लाट दिए थे सन 2010 में सरकार ने, वो NH हाईवे में दिल्ली कटड़ा वाले में इक्वायरी करे गए हैं जी। और जो प्लाट दिए थे हमारे को रिहास के लिए दिए थे, हमारे पास कोई और जगह नहीं है। हमारे वो प्लाट कटे थे पंचायती भूमि में जी, 143 प्लाट कटे थे और वो 143 के 43 इन्हें इक्वायर कर लिया हाईवे वाले ने, और उनके बदले हमने रिहायशी प्लाटे मिले दे जावे सरकार, तो यही हमारी रिक्वेस्ट है। आज आप किस अधिकारी से मिले थे? हम आए तो DC साहब को मिलने थे, यहाँ DC साहब कहीं और बिजी थे किसी काम में, वो मिल नहीं सके, तो हम सिटी मजिस्ट्रेट को मिले थे। उनने हमारी दरख्वास्त ली है और आश्वासन भी दिया है, भाई आपका ये जो भी है मैं आपके उच्च अधिकारी तक पहुंचाऊंगा। सभी पोपड़ा गांव से हैं? सभी पोपड़ा गांव से हैं, ये सभी SCBC के हैं भाई, सभी इनको बगैर जमीन वाले हैं। तो किस योजना के तहत प्लाट मिले थे आप सबको? वो थी महात्मा गांधी स्कीम थी, जो सरकार पिछली सरकार में थी, कांग्रेस सरकार में, उसमें प्लाट कटे थे वो। किसी प्रकार का आश्वासन मिला आपको? किसी प्रकार का कुछ मिला है थोड़ा बहुत, भाई मैं आपका ये जो भी मांग पत्र है, ये दरखास्त है, ये उच्च अधिकारी तक पहुंचाऊंगा, और यही आश्वासन मिला, कुछ नहीं मिला, कोई अधिकारी नहीं मिला है वैसे तो। ताई राम राम। राम राम। के नाम था आपका? मेरा नाम था कलावती। कलावती, के मांग ले का आप आज? हमने प्लाट ले मांगे जी हम तो। अच्छा, और मारे प्लाट आई हम आ गए, मारे प्लाट, हमने प्लाट चाहिए और कुछ नहीं चाहना। अच्छा, प्लाट की मांग ले का आयो यड़ा? हाँ। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? राम निवास सर। राम निवास जी, आज किस मांग को लेकर आप यहाँ पहुँचे हो? सर, हमारे प्लाट इसमें 2010 में प्लाट कटे थे सर। अच्छा, दिल्ली हाईवे रोड में, दिल्ली अमृतसर हाईवे रोड में आ गए सर। हम गरीब आदमी सर, सरकार से यही रिक्वेस्ट, हमारी हाथ जोड़ गए, या तुम्हारी प्लाट मिल जाने चाहिए, या हमारे को पैसे मिल जाने चाहिए ठीक ठाक जी, गरीब आदमी सर। आज अपनी फरियाद किसके पास लेके आए थे? आज DC साहब के पास आए थे सर। मुलाकात हुई उनसे? नहीं सर, वैसे हमारी एप्लीकेशन उन्होंने मंजूर कर ली। अच्छा, नमस्कार जी, ठीक है सर।